इंकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नजीर चौधरी। दोस्तों, आज के वी लॉग में अदाकारा नादरा, जो कि मिड 80 के दौर में पाकिस्तान की बहुत मशहूर और सबसे महंगी और अमीर तरीन अदाकारा के तौर पर मारूफ हो चुकी थी, उनकी ज़िंदगी का यह वाकया जो इंतहाई इंटरेस्टिंग भी है, ख़तरनाक भी है और दर्दनाक भी। इंटरेस्टिंग इस हवाले से कि अदाकारा नादरा की 91 में जब फिल्म आई थी जादूगरनी के नाम से, तो उसमें उन्होंने कस्ट्यूम इस तरह का पहना था, एक नागन के रूप में जो इंसानी रूप में आती है। वो जब इंसानी रूप में आती है तो बड़ा दिलकश उनका सरापा जो है वो नाज़रीन के सामने आता है। तमाशाई उनका नादरा का ये रूप देखकर बहुत खुश होते हैं, उनके साथ इस्माइल शाह का प्यार बना होता है। इसमें ख़ास तौर पर नादरा के लिबास पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, कहीं वाइट गोल्ड के साथ और कहीं गोल्ड और कहीं सिर्फ हीरे जवाहरात के साथ उनका कॉस्ट्यूम तैयार किया जाता है, उनको ताज पहनाया जाता है, उनके कपड़े इस कदर रंगीन होते हैं और इतने कीमती जवाहरात से मुरस्सा करके पेश किए जाते हैं कि जिससे यही तासुर मिलता है कि नादरा ने करोड़ों अरबों रुपये का महंगा लिबास पहनकर इस फिल्म के अंदर किरदार अदा किया है। और ये फिल्म के जब रिलीज़ होने के बाद जब इसकी मशहूरी हुई, तो इससे नादरा के बारे में एक नया ही ख्याल बहुत सारे उसके तमाशाई जो फ़ैन भी थे उनके दिलों में बैठ गया कि नादरा तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और बहुत महंगा लिबास भी पहनती हैं। इसी दौर में जबकि उनकी आतिफ चौधरी, जो कि लाहौर के बहुत बड़े डॉन थे, उनके साथ भी एक अच्छा दोस्ताना मरासम उनके कायम हो चुके थे, कह लें दोस्ताना से ज़्यादा कारोबारी भी थे, लेकिन ये यक तरफा थे। क्योंकि ये बात मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बयान कर चुका हूँ कि आतिफ चौधरी नादरा समेत पाकिस्तान की बहुत सारी अदाकाराओं को इलाके गैर में ले जाकर उनसे मुजरे भी करवाते थे और फिर पाकिस्तानी फिल्मों में हिस्सादारी भी जबरन किया करते थे और बहुत सारे अदाकारों से वो जबरन टैक्स लिया करते थे। ये लिखी पड़ी बात है और ये पुलिस के रिकॉर्ड में भी मौजूद है। बहुत सारे पुराने अदाकार और हदायतकार फिल्म साज इस बात के आज भी गवाह होंगे, अगर वो गवाही देने पर मुतफिक हों तो उन्हें मालूम होगा कि आतिफ चौधरी जो अपने दौर के बहुत बड़े डॉन थे, वो ऐसे पेशे के जरिए से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया करते थे। आतिफ चौधरी जब इलाके गैर में जाना आते तो उसी दौर में उनकी मुलाकात अलका गैर के एक ऐसे स्मगलर से होगी जो वेपन्स का और गोल्ड का बहुत बड़ा स्मगलर था और उसकी धाक बहुत दूर तक बैठी हुई थी। नौजवान लड़का था लेकिन उसे फिल्में देखने का भी बड़ा शौक था, खासतौर पर जो पश्तों की बहुत सारी फिल्मों की अदाकाराएं थी वो उनके साथ रबते में रहते थे और उनको अक्सर अपने डेरे पर अलग गैर में, जिसे वो बहुत बड़ा हुजरा कहते थे, वहाँ बुलाकर उनकी सेवा भी करते थे, उनसे डांस भी कराते थे और मुँह मांगी उनको रकम भी पेश किया करते थे। एक अजीब तरह की उनका नाम था बादशाह गुल। बादशाह गुल के बारे में बहुत सारी बातें भी मशहूर थी। नागन जब रिलीज़ हुई तो बादशाह के दिल में न जाने क्या ख्याल आ गया कि उन्होंने आतिफ चौधरी जो कि उस ज़माने में चूंकि लाहौर के बहुत बड़े डॉन थे, उन्हें असलाह की बहुत ज़्यादा जदीद ज़रूरत भी पड़ती थी और उनके बहुत सारे पुलिस मुकाबले भी हुआ करते थे, अपनी धाक बिठाने के लिए वो इलाका गैर से जो असलाह मंगवाते थे, ख़ासतौर पर यह बात मशहूर है जो मुबैना तौर पर आप कह लें इसको कि वो बादशाह गुल से वो असलाह मंगवाया करते, जिससे उनका एक ताल्लुक बन गया। लेकिन जब आतिफ चौधरी को वहाँ जाना पड़ गया तो एक दिन बादशाह गुल ने आतिफ चौधरी से फरमाइश कर दी कि हमने सुना है कि नादरा जो है उसने जो फिल्म जादूगरनी में जो रोल अदा किया है वो बहुत बड़ी पॉपुलर है, तो मुझे उसका भी जो है वो मुजरा देखना है, तो उसके लिए मैं लाहौर आऊँगा। आतिफ चौधरी ने कहा आप लाहौर ना आएँ, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर बादशाह गुल जो है लाहौर तक चले गए तो इससे बहुत सारी खराबी भी पैदा हो सकती है, क्योंकि पुलिस और एजेंसियाँ उनके पीछे लगा करती थी और उनके बहुत सारी दुश्मनियाँ भी ऐसी थीं। आतिफ चौधरी नहीं चाहते थे कि बादशाह गुल की जो दुश्मनियाँ हैं वो उनके हिस्से में आ जाएँ और वो उनके लाहौर में डेरे पर आ जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ बादशाह गुल ने आतिफ चौधरी समेत पंजाब के और भी बहुत सारे ऐसे जो डॉन थे, बदमाश थे, डकैत थे, उनके लिए अपने दरवाजे खुले हुए थे और वो इलाका गैर में जाया करते थे। उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की इतनी बहुत ज़्यादा कानूनी रिट मौजूद नहीं थी और इलाका गैर में अक्सर ऐसे जराइम पेशा लोग जाया करते थे, उनके लिए वो जन्नत का दर्जा रखती थी, जिसे वो कहते थे कि हम सब यहाँ बहुत ज़्यादा महफूज रहते हैं। अब ये फरमाइश बहुत बड़ी थी नादरा के लिए उस दौर में, अभी नादरा ने अभी जान नहीं शुरू किया था, लेकिन बादशाह गुल की फरमाइश टालना बहुत मुश्किल था। ये अच्छी तरह आतिफ चौधरी को पता था कि अब अपनी धाक बिठाने के लिए, अपनी इज्जत को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि वो नादरा को लेकर जाएं, लिहाजा उन्होंने नादरा तक ये फरमाइश पहुँचा दी और नादरा से कहा कि आपको तो जाना पड़ेगा। ये नादरा के पहले पहले दौर की बातें हैं। नादरा ने यह वाकया मुझे कब बताया ये मैं आगे आपको चल के बताता हूँ, लेकिन ये पहले वाकया पूरा सुन लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस बात पर सिर्फ यकीन रखते हैं कि हमें वाकया सुनने से ज़्यादा दिलचस्पी है। इस वाकया के रूनमा होने के बाद जो नतज निकलते हैं हमारे बहुत सारे दोस्त उसमें दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन चूँकि क्रिस्पी वाकया सुनने तक उनकी दिलचस्पी महदूद होती है, तो इसलिए ये वाकया मैं इसलिए आप पहले सुना रहा हूँ।
ताकि वो दोस्त जो बड़े बेचैनी से इस वीडियो को और ख़ास तौर पर नादरा के हवाले से बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं वो ये बात ज़रूर जान लें। अदाकारा नादरा के लिए आतिफ चौधरी की फरमाइश टालना बहुत मुश्किल था, ये आसान नहीं था, और उन्हें मालूम था कि आतिफ चौधरी को ना करने का मतलब जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालना या फिर अपने करियर को तबाह करना, और नादरा कभी नहीं चाहती थी क्योंकि अपने दौर की वो सबसे महंगी और मकबूल तरीन अदाकारा का दर्जा हासिल कर चुकी थी। ये 90 का दौर शुरू हो चुका था, 91 में तो उनकी फिल्म रिलीज़ हुई, तो ये उसी दौर में यानी कि 91 के ही दौर में आतिफ चौधरी ने जब ये फरमाइश कर दी तो उसका अहतमाम किया गया। नादरा को वहाँ इलाका गैर में पेशावर से आगे ले जाया गया। बादशाह गुल ने नादरा के लिए बहुत बड़ा अहतमाम किया और उसने जाते ही फरमाइश कर दी कि बीबी गुल, हमने आपका वो नाच देखना है जो आपने जादूगरदी में किया है एक नागन के रूप में, तो नागन बनकर आप करें। अब नादरा जो जब मुझे यह वाक्य सुनाया करती थी तो ये हंसा करती थी कि वो बादशाह गुल के अंदर मासूमियत भी मुझे नजर आई और मैं हैरान थी कितना बड़ा स्मगलर जो है, सोने का स्मगलर जो है, असले का स्मगलर है, वो कैसे ये फरमाइश कर रहा है कि वो मुझे कह रहा है कि जिस तरह तुमने 100 साल के बाद इंसानी रूप इख्तियार किया था नागन का, वैसे ही मुझे करके डांस सिखाओ। तो मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया, बल्कि मैंने आतिफ चौधरी से भी ये इल्तमास की कि वो मेरी मदद करें, उनको बताएं कि मैं नागन नहीं बन सकती, वो तो एक फिल्म है, फिल्म की कहानी के मुताबिक ही मुझे ऐसा किरदार एक अदा करना पड़ता है, और ये सारे के सारे एक टेक्निक होती है जिसके जरिए से हम फिल्म के अंदर लोगों को हैरान करते हैं और उनका जो है पसंदीदा डांस भी उनके सामने पेश करते हैं। लोग ऐसी जो अफसानवी जो दास्तानें होते हैं उनसे बड़े महजूज होते हैं। बादशाह गुल को तो बड़ा इस बात से बड़े हैरान हुए, अच्छा तो ये बात है, हम समझते हैं कि तुम नागन थी और नागन से तुम इंसान बनी हो, लेकिन फिर ऐसा करो कि वो जो तुमने जेवरात पहनकर, जो इतना खूबसूरत सफ़ेद कपड़े पहनकर, सुरख कपड़े पहनकर तुमने इतने जेवर लादा था, उसके साथ तुम जो है एक डांस करो। नादरा के पास उस वक्त कहाँ था इतना जेवर कि वो इलाका खैर में वहाँ लेकर जाती, तो वो कहने लगी ये तो मेरे लिए मुश्किल है। तो वो कहने लगे तो बादशाह गुल के तुम डेरे पर आइयो, हुजरे पर आइयो, तुम्हारे लिए जेवरात की कमी है। बाहर बादशाह गुल ने उनको जेवरात फराहम किए, फिर म्यूज़िक का अहतमाम किया गया। तो कहा जाता है कि नादरा ने बड़ा खूबसूरत वहाँ रक्स पेश किया, तो बादशाह गुल का दिल जो है बाग बाग हो गया, वो बड़ा खुश होगा, कहने लगा कि नादरा बेगम अब तुम ऐसा करो कि हमेशा के लिए हमारे इसी हुजरे में रह जाओ और इधर ही हमारे पास रहा करो, हम तुमको सोने में तोल देंगे, तुमने तो सोना जो है ख्वाबों में भी नहीं इतना देखा होगा। नादरा बड़ी परेशान हो गई, अब उनके लिए एक ख़तरनाक मरहला शुरू हो गया था। बादशाह गुल जो है इस बात पर अड़ गए थे और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम हमारी मेहमान हो और तुम अब इधर ही रहो, अगर तुम कहोगी तो हम इधर पेशावर में इधर इलाका गैर में एक स्टूडियो बनवा देंगे, तुम इधर फिल्मों में काम करना और इधर से हम जो फिल्में बनाएगा हम अफगानिस्तान समेत दूसरे और मुल्कों के अंदर तुम्हारी फिल्में पहुंचा देगा, लेकिन हम तुम्हें जाने नहीं देगा। नादरा ये कहा करती थी कि मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया था और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं यहां कैद होकर रह जाऊंगी। बादशाह गुल ने एक और बड़ी बात कर दी, वो कहने लगे कि नादरा बेगम तुम समझते हम तुमसे मजाक करते हैं, हम आज तुम्हें सोने में तोल देंगे। बादशाह गुल ने हकीकत में ऐसा किया कि उन्होंने बड़े बड़े संदूक जो थे वो नादरा बेगम के सामने खोले जिसमें सोने की ईंटें थी, और नादरा कहा करती थी कि मैंने ख्वाबों में या कभी कहानियों में ऐसा जिक्र सुना था, कुलजा तिलसम की जो बात हुआ करती थी कि एक जादूगरनी होती है, वो जादू करती है और उसके सामने सोने के जो अंबार लग जाते हैं, पहाड़ खुल जाते हैं, गारों के मुंह खुल जाते हैं सोने के, और मेरे सामने जब संदूक खुले तो उसके अंदर सोने की ईंटें थी। मैं बहुत परेशान हुई, हैरान भी हुई। तो बादशाह गुल ने यह किया कि मुझे एक तराजू के अंदर खड़ा करके दूसरे में उसने सोने की जो ईंटें थी वो रख दी और मुझे तोल दिया, और कहने लगा ये सारे का सारा जेवर जो है ये हम तुमको दे देगा, लेकिन तुम इधर ही रहोगी। नादरा के लिए ये बहुत बड़ी हैरानी की भी बात थी, मुश्किल भी बात थी, और उनको लगा कि इससे ज़्यादा ज़िंदगी का ख़तरनाक और कोई दौर शुरू नहीं हो सकता। अगली सुबह नादरा ने आतिफ चौधरी से कहा कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे तो अब वापस जाना है और ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं जो है यहाँ इसी डेरे पर रह जाऊँ। तो बादशाह गुल से बात करने के लिए आतिफ चौधरी ने कहा कि उनसे बात मैं करता हूँ, लेकिन चूंकि मैं तुम्हें लेकर आया हूँ और मैं तुमसे वादा करके लेकर आया था कि तुम्हें जैसे लेके जाऊंगा वैसा ही वापस लेकर आऊंगा, तो मैं तुमसे ये अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा तहम्मुल का सबूत देना पड़ेगा। बादशाह गुल के साथ आतिफ चौधरी ने बात की और समझाया कि अगर हमने इस अदाकारा को वापस ना भेजा तो पंजाब के अंदर बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है, और आपको पता है हमारा बहुत सारा माल जो है, हमारा कारोबार जो है पंजाब के अंदर भी फैला हुआ है, तो नादरा तो एक बहुत बड़ी मशहूर एक्ट्रेस है और पुलिस समेत क्या बहुत सारे इदारे भी जानते हैं कि नादरा कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, तो इसको इस तरह यहां रखने का मतलब यह होगा कि हमने इसको कैद कर दिया, तो आप ये करें। बादशाह गुल ने इसके बाद एक और बड़ी फरमाइश कर दी, वो कहने लगा ठीक है तो फिर ये सारे का सारा सोना जो है ये हम तोहफे के तौर पर इसको देंगे और ये ले जाए अपने साथ, ये लाहौर में ले जाए। बादशाह गुल ने गाड़ी के अंदर, जिस गाड़ी में नादरा आई थी, वो सारे का सारा जो सोना जिसमें उसको तोला था उसके अंदर। कहने को तो ये बात बड़ी मजाक लगती है, बड़ी हैरानकुन होती है, लेकिन इस दुनिया में रहने वाले, डॉन्स की दुनिया में रहने वाले, जराइम की दुनिया में रहने वाले, अय्याशी की दुनिया में रहने वाले, कसीनों की दुनिया को समझने वाले और ऐसी औरतों पर पैसा निछावर करने वालों की नेचर को समझना दोस्तों ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये दुनिया में सब मुमकिन है। बहुत सारे लोग जो है पुराने ज़माने में बादशाहों के वक्त में भी सोने जेवरात में जवाहरात में लोग तोले जाते थे, और वही एक मिसाल बादशाह गुल ने नादरा के साथ की। नादरा ने आतिफ चौधरी से कहा कि
तो बहुत मुश्किल है कि जिस गाड़ी में मैं बैठूंगी उसमें ये सोने की ईंटें भी जाएंगी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, मुझे ऐसे ही जाने दे। नादरा बेगम कहा करती थी कि मेरा रोने वाला दिल हो गया, मेरी बुरी हालत थी, मेरे साथ जो मेरे साथ नायिका साथ गई हुई थी, मेरी असिस्टेंट थी, वो सब बड़ी परेशान थी कि ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, लाइफ को जाया करने वाले हैं, हम कैसे कर सकते हैं, जगह जगह पर नाके लगे होंगे, अगर यहाँ से हम बच भी जाएँ तो कैसे जाएंगे। बहरहाल नादरा ने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई और बड़ी मुश्किल से वो लाहौर पहुंची। 92 के आखिर में जब इस्माइल शाह की वफात हो चुकी थी, उसी दौर में जब मेरी मुलाकातें हुआ करती थी नादरा से, तो नादरा ने अपनी ज़िंदगी का ये वाक़या सुनाते हुए ये कहा कि मैं खुदा का शुक्र अदा करती रही और मैंने सदके खैरात आकर लाहौर आके वापस किए कि मैं जिंदा सलामत आ गई। मुझे ये तो बड़ा हैरान हुआ, बड़े दिल को इत्मीनान हुआ कि मैं सोने में तोली गई हूँ, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा मैंने अल्लाह का शुक्र अदा ये किया कि चंद हफ़्तों के बाद मैंने ये वाक़या सुना कि एक पश्तो फिल्मों की एक बहुत बड़ी अदाकारा है जो कबायली इलाकों से लाहौर की तरफ वापस आते हुए स्मगलिंग के इल्ज़ाम में पकड़ी गई और उसकी गाड़ी से बहुत सारा सोना और सोने की ईंटें बरामद हुई थी। तो मेरे दिल ने बेख्तियार यही दुआ की, या अल्लाह मैं जैसी भी हूँ लेकिन तू ने मेरी इज्जत रख ली, मुझे बचा लिया। नादरा यह कहा करती थी कि ऐसे बहुत सारे जो मोहब्बत के नाम पर घनौने कारोबार भी होते रहे हैं कि मशहूर शख्सियात या अदाकाराओं को वापसी पर सोने से लादा भी जाता था और उनके ज़रिए से दरअसल सोना स्मगल किया जाता था जो पकड़ी जाती थी और फिर ज़िंदगियां उनकी अजेरन हो जाती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दिल में लालच नहीं आया और मैं जिंदा सलामत और अपनी इज्जत को बचाकर बादशाह गुल के उस हुजरे से लाहौर तक डरती हुई आई लेकिन महफूज हो गई। और ये मेरी ज़िंदगी पर आतिफ चौधरी का भी बहुत बड़ा एहसान था कि अगरचे मैं बहुत ज़्यादा मामला में उनसे तंग रही हूँ लेकिन ये ऐसा एक मौका था कि आतिफ चौधरी ने मुझे बचा लिया था। इस अपने टूर और इस ज़िंदगी के इस वाक्य के बयान करते हुए नादरा ने कहा था कि मैंने खास तौर पर जो बादशाह गुल के सामने जो अपना गाना परफॉर्म किया था वो जादूगरनी का वही गाना है जिसके मुख्तलिफ जो क्लिप्स हैं जो नादरा ने इस फिल्म के अंदर जो डांस के जरिए परफॉर्म किए थे, क्योंकि इस फिल्म के अंदर उनके एक नागन का रूप होता है जो इंसानी रूप में आती है और इस्माइल शाह के साथ उनका पेयर बनता है, बड़ा खूबसूरत वो रक्स पेश करती हैं लेकिन बहुत खूबसूरत और बड़े महंगे मलबूसात के अंदर वो रक्स करती हैं। तो आज की वीडियो के आखिर में नादरा की इस जादूगरनी फिल्म के कुछ क्लिप्स जो है ना वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको भी अंदाज़ा होगा कि 91 में रिलीज़ होने वाली नादरा और उस दौर में साइमा की, गालबन ये साइमा की भी इब्तदाई फिल्मों में से एक फ़िल्म थी, ये कितनी खूबसूरत एक फिल्म थी, लेकिन नादरा का ये परफॉर्मेंस देखना ना भूलिएगा।